है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान, एक बार फिर से वही खूबसूरत चेहरा जिसने सिर्फ भारत नहीं भारत के बाहर भी डंका मचाया है। जी, हमारे साथ हिट मशीन सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनचाहा आपको, चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, दिल से धन्यवाद कि आपको ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद मिलता है। सर, आए आप और लगातार आ रहे हैं, लगातार गाने बज रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि खेसारी लाल जी नहीं चल रहे, मुझे लग रहा है कि आप थिएटर में भी चल रहे हैं और बाहर गानों में भी चल रहे हैं। आपको लग रहा है ना? हाँ जी सर, बस तो लोगों को छोड़िए, दो चार ही लोग बोलने वाले हैं कि खेसारी नहीं चल रहा, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। और उनके दो चार लोगों के कहने से मेरी जीवन नहीं चलती है, करोड़ों के कहने से मेरी जीवन चलती है। और करोड़ों को मुझे पता है कि मुझे करोड़ों प्यार करते हैं। ये छोटी बातें हैं, ये भी कोई मतलब की बातें नहीं है। मैं तो खुद ही रोड पे चलता हूँ, ऐसा तो नहीं कि कान बंद करके चलता हूँ। रोड पे चल रहा हूँ तो मैं दूसरे को सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद को ही सुन रहा हूँ। तो आप लोगों को बताने थोड़ी जाएंगे, हम अपने काम से ही लोगों का जवाब देते हैं और मैंने जवाब दिया है और आइंदा भी देता रहूँगा। सर, लगातार अभी एक इवेंट के दौरान पवन जी कहते हैं कि जहाँ से सुर लगाते हैं लोग, क्या खेसारी लाल जी का 20 साल का करियर गायकी को प्रभावित नहीं करता? मिलियंस फैन जो हैं खेसारी लाल जी को नहीं सुनते हैं? हो सकता है मैं बेसुरा हूँ, अगर लोगों को पसंद आ रहा हूँ तो मुझे सुर लगाने की ज़रूरत क्या है। अगर मैं बेसुरा ही लोगों को पसंद आ रहा हूँ तो शायद मुझे गाने नहीं आता, तो ठीक है। अच्छा, आपको गाने ही आता है, सुर जहाँ से अगर सुर लगाइए तो यहाँ से सुर होता है। ऐसा थोड़ी है जो सुर का खेती किए हैं वो, ये धरती बहुत बड़ी है और ये सुर शायद इस धरती पर आने के बाद ही लगाए होंगे, और उनसे भी पहले कोई लगाया होगा, उस सुर को उनसे भी पहले कोई लगाया होगा। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, ना समझ वाली बातें हैं कि आप एक इतने बड़े लीजेंड होकर और ना समझ की बातें करते हैं कि जो आप करते हैं उसी की शुरुआत आपसे होती है। सॉरी, नहीं होती है, आप भगवान नहीं है। इस धरती पर आपसे भी पहले सुर लगाने वाले लोग थे और आपके चाचा ही थे, हटा दिए, आपके गुरु फिर क्या थे? आपको अपने गुरु को तो सिखाए नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जहाँ अब सुर लगता है तो यहाँ से लगता है? सॉरी, सारे का मापा धनी सा के खेती नहीं किए हैं आप, और ना ही आप हारमोनियम बनाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी आदमी अगर कहता है कि ये चीज़ें मैंने की है वो गलत है, उससे पहले वो हो चुका है, तो आप अपने आप को सर्व परिमत बनाइए कि आप ही सब कुछ है। सॉरी, आप जीरो हैं, आप कुछ नहीं है, हम भी जीरो हैं, हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हुआ है हमने भी कहीं देख कर सीखा है, अब किसी न किसी को देखा है, किसी न किसी को सुना है, तो आप इस बात को मानिए। हाँ, आप बेहतर करते हैं, बेहतर करिए, आप ये मत कहिए कि मैं जो किया हूँ वही बेहतर है। सर, लास्ट सवाल कर लेते हैं, लाकदार आपकी बॉडी पे सवाल उठ रही है, लेकिन माशाल्लाह आपकी जैसी बॉडी अभी भोजपुरी में किसी की भी नहीं है। आपने दिन रात चाहे 24 घंटा काम के बाद भी आपने अपना समय निकाला है। यार, दो मिनट का समय, सिर्फ एक लास्ट सवाल, सिर्फ एक मिनट का सर। आपने जितना अपना आपका डेडिकेशन दिखाया है भोजपुरी बदलने के लिए, आपने अपने जान हमेशा से अपने काम कर प्रति डेडिकेशन दिखाया, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बॉडी की बातें हैं तो मुझे लगता है ना कि फलदार पेड़ झुकता ही है, अकड़ तो मुर्दों में होती है, मेरे में अकड़ नहीं है और मेरे बातों में भी कभी अकड़ आपको नज़र नहीं आएगी, मेरी जुबानों में अकड़ नहीं आएगी। और जहाँ तक बॉडी की, तो टाइगर श्रॉफ क्या है, सलमान खान क्या है, ऋतिक रोशन क्या है, ये जितने लोगों ने अपने बॉडी पे मेहनत किया, ये ऐप्स बनाने के लिए ना फट जाती है और आपसे नहीं हो सकता। तो आप अपनी कमजोरियों को दुनिया को ताकत मत बताइए कि ये मेरी ताकत है। सॉरी, ताकत नहीं है, वो आपकी कमजोरी है, आप नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं तो करके दुनिया को बताइए, वो अच्छी बात है कि आप कर लेंगे, लेकिन करिए, ये मत कहिए कि नहीं ये पेट निकला हुआ बॉडी देसी है, नहीं देसी नहीं हो सकता है। तो उससे अच्छा तो हीरो में और देसी में अंतर क्या है? आपको दुनिया हीरो बनाया है, आपको देसी नहीं बनाया है। तो देसी है तो फिर जाके घर पे खेती करिए, पहलवानी करिए, काहे के लिए आप एक्टिंग करते हैं और चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।